सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बंसीधर नगर में NH-75 के भवनाथपुर मोड़ के किनारे विश्वनाथ पैलेस के समीप एक टायर की दुकान में बीती रात अचानक आग लग गई। आग की भयंकर रूप को देखते हुए गश्त में सुरक्षा पुलिसकर्मियों ने किसी तरह अगल बगल वाले को सूचना देकर दुकान मालिक को जानकारी देकर बुलाया। दुकान मालिक के आने के बाद पुलिसकर्मियों ने पानी झोंक कर किसी तरह आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि बंसीधर नगर गोसाईबाग के निवासी मोहम्मद जाफिर खां की टायर दुकान में बुधवार की रात 2:30 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही पूरे गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं CO अरुणिमा का घटनास्थल पर पहुंचकर आग से होने वाली नुकसान की जानकारी ली। मौके पर पीड़ित मोहम्मद जाफिर खान ने कहा कि आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है, जिसमें काफ़ी मात्रा में ट्रक का रिसोल टायर, रिसोल करने की गेटिस, मोटर, कई कस्टमर का टायर, एक रिसोल मशीन सहित दुकान में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गया। सुबह जो घटना घटी है उसमें क्या मामला है? सुबह जो घटना घटी है, दुकान हम लोग बंद करके सामने गए थे। कितने बजे गए थे आप? हम लोग 8 बजे गए थे दुकान बंद करके। उसके बाद गए घर पे। उसके बाद 3 बजे के समय खाना पे स्टाफ लोग, गश्ती वाले जो थे, लोग फोन किए कि आपकी दुकान में आग लग गई। हम लोग आए वहाँ से, हम और भैया, और उसके बाद देखे कि तब तक पूरा जल गया था। गश्ती वाला भी सहयोग से बताया गया, फिर भी नहीं बच सका, तो चलते हमारा ज़्यादा क्षति हुआ। लगभग कितना का नुकसान हुआ है आपका? लगभग ऐसा तो अंदाज नहीं मिल पा रहा है, मगर फिर भी 2 लाख रुपए के लगभग लमसम में। क्या क्या आपका इसमें नुकसान हुआ है? नुकसान में मेरा टायर हुआ है, कस्टमर का टायर रिसोल करने के लिए था, कुछ मेरा रिसोल वाला रबड़ था, प्लस उसके अलावा मेरा मोटर उटर था जो काम करने का और सामान रहता है, सारा सामान जल गया है, पूरा भी जल गया है। आपको इसके बारे में कुछ पता है कि किसे आग लगी है? नहीं, ये चीज़ मुझे जानकारी नहीं। सुबह कितने बजे घटना का आपको पता चला कि आपके घर में आग लग गया है? दुकान में 3 बजे लगी थी। कौन सूचना दिया था आपको? नगर के जो बस्ती में रहते हैं, हाँ, पुलिस वाले, वही फोन किए थे हमारे पास। तब तक पूरी जल का खाक हो गई थी? जल के खाक हो गई थी। उसके बाद उन लोग ने सहयोग से बताया, जितना जो बचा हुआ था तब तक जल गया था, जो भी सामान था मेरा। जाँच की प्रक्रिया में कोई आए थे आपके पास? जांच की प्रक्रिया में CO मैडम आए थे जी, बोले कि आप अप्लीकेशन लिख दे दीजिए, आगे का प्रक्रिया हम कर रहे हैं।